n by 2, that comes out to be n log n omega. We have actually proved that no matter which algorithm a computer scientist make, it can never be better than n. N log n by n. Sorry? N log n. Everybody understand? Yes, sir. Yes. Yes. All right. So let me come back. So we decided on divide and conquer. Divide and conquer क्या करता है? दोबारा से आपको summarize करता हूँ. जी क्या करता है? Problem था. उसको वो सब डिवाइड करता है इनटू सब प्रॉब्लम्स, रिकर्सिव से सॉल्व करता है और फिर करता है, फिर उन दोनों उन सब आंसर्स को मर्ज करके अपना आंसर कंप्लीट करता है. ठीक. अच्छा मुझे बात है, अगर अगर आपने आपको याद है मल्टीप्लिकेशन आप बचपन में करते थे, m = a मल्टीप्लाई बाय b करता, तो लेट्स से 1 2 3 4 ये कोई सवाल ये है कि हर एक मल्टीप्लिकेशन कितनी देर में होती है? एन. और कितनी बीटा है? एन. तो टोटल कंप्लेक्सिटी क्यूब कितनी होनी चाहिए? थीटा ऑफ एन. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, जो हमारा बचपन वाला एल्गोरिथम है जो हमने अपनी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था, वो जो क्लासिकल एल्गोरिथम है वो एन स्क्वायर टाइम देता है. अगर मेरे पास एन बिट का पहला नंबर हो, एन बिट का दूसरा नंबर हो ना, आज जो हमें करना है तो तर्जम हो जाएगा. ठीक है. अच्छा what we're going to do is we're going to do something really special. ठीक है. और इसका ताल्लुक है हमारे अंकल हैं अंकल गॉस, उसके एक नोट से इसका ताल्लुक. ठीक है. अच्छा उन्होंने हमें एक बड़ी खूबसूरत चीज लिखी हुई और हमें उनके जो साइड नोट है रफ रफ में भी उन्होंने कुछ काम किया होगा, उसमें एक बड़ी छोटी सी नोट लिखा था, एंड दैट नोट कम्स आउट टू बी द मास्टर प्लान for making the multiplication algorithm which was faster than जो human being को शायद पिछली मतलब हजारों सालों से पता था. ठीक है. अच्छा देखें what was the idea is कि let's say मेरे पास ये दो complex number हैं, इनको मैं multiply करूँ, कैसे multiply करता हूँ? A will be multiply by C, A C हो जाएगा, B will be multiply by D, तो ये B हो जाएगा, और यहाँ पे minus आ रहा है, minus ये आया हो क्या? आया होता square है. ठीक है. अगर ये आयोटा ना होता, कुछ और चीज होती है जो p q कर देता, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाता, बस और कुछ नहीं है ना, कुछ समझा की बात नहीं. अच्छा देखिए साथ हम क्या कर देते हैं, अब यहाँ पर सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ आयोटा आएगा, इससे आयोटा कॉमन निकाल लिए, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आ जाएगा और इसमें भी आयोटा आएगा, आयोटा कॉमन. कोई इसमें इशू तो नहीं? अच्छा मैं यहाँ पर ना एक चीज लिख रहा हूँ. अच्छा गॉस ने ना एक छोटी सी बात लिखी हुई थी और वो ये थी, ये जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन करने में कितनी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है? एक दो तीन और चार, चार मल्टीप्लिकेशन. ठीक. अच्छा लुक एट दिस व्हाट गॉस रोट इन द साइड नोट, वो हाशिए नोट था, हाशिए के साइड पे एक चीज लिखी थी. हाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते क्या? ये देखिए ये तो डिसीजन लिख रहा हूं ना, ए सी माइनस बी डी, ये क्या ए सी माइनस बी डी, सॉरी
लिखा हुआ है, सॉरी बी सी प्लस ए डी आयोटा, ठीक है ना। वो कहता है असल में ना हम एक बड़ा मजेदार काम कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, अगर हमें ये कंक्लूड करनी हो तो इसका एक और तरीका भी है, और वो तरीका ये है कि अगर मैं इन सारी चीज़ों को बेटा इधर ले जाऊँ तो लिखा होगा यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, वरना अगर ये आयोटा ना होता कोई और चीज होती तो अगर मैं उसको आयोटा को आयोटा ही रहने देता तो यहाँ पे और वो ये दोनों माइनस माइनस है, परेशान नहीं होते हैं, ये सी बात है, ठीक है। बात है लुक एट दिस, द कैच इज द फॉलोइंग, वो कहता है कि ये जो मैंने ए गिरे इसकी वैल्यू है ये, है ना। अच्छा वो एक काम है, वो कहता है कि भाई मैंने लिखना क्या था, मैंने ये लिखा था ना ए सी माइनस बी डी प्लस, मैंने क्या लिखा था बताया मुझे, मैं लिखा बी सी प्लस ए डी और यहाँ पे लिखा, ठीक है। वो कहता है ये देखो काम, इसमें मल्टीप्लिकेशन मॉल है कि वो कहता है इसकी जगह मैं ये, अच्छा इससे क्या होगा, ये क्या है, ये एडिशन है मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये क्या है एडिशन है मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन की कॉस्ट है एन, बिट बाय बिट ऐड करनी है। So, addition, addition से हमारा दो आंसर आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अब ये एक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। लो ओरिजिनल प्रॉब्लम में कितनी मल्टीप्लिकेशन, चार चार चार, एक दो, ठीक है। मैं इस पोर्शन को क्या करता हूँ दोबारा ऐसे, अच्छा अब क्या हुआ, ये दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये उसने पहले कंप्यूट कर लिया। सिमिलरली ये भी इसे दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये वो कंप्यूट कर चुका है। और ये क्या है, ये है एडिशन से हमारा आंसर आएगा, एडिशन से हमारा एक और आंसर आएगा, ये एक और मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से मैंने कितनी मल्टीप्लिकेशन की, पांच नहीं, पांच ही है, यू राइट, बट ये दो हमें दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज इस स्टेप में एक मल्टीप्लिकेशन। सो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ four multiplication, I can rewrite it as three multiplication. ये बात सुना? तो कैंसिल होगा, अलग बात है, बात है, बात है कि आंसर आ जाएगा, है ना? यानी कि मैं कह रहा हूँ इसका आंसर ही दोगे ना, तो इसका कोई आंसर होगा, let's say A minus, यहाँ पर आपने कोई भी आंसर कंप्यूट किया, let's say T1 और ये T2, तो आप यहाँ पे T1 minus T2 लिखोगे, है ना? और बाद में ये क्या बन जाएगा, ये सब additions बन जाएगा, है ना? Now look at this. Please look at the board. God, B, this is very, very, very important. Okay? All right. Now look at this. So this is what he wrote. कि मैं कह सकता हूँ कि मैं actually इस चीज़ को इस तरह लिख सकता हूँ। देखिए इस तरह लिखने से क्या होता है? कि जब मेरी चार multiplications थी, वो अब मैं कितनी की form में सकता हूँ? तीन multiplications की form में सकता हूँ। एक ये, और ये दोनों repeat हो रही हैं। ठीक है? और फिर से मैं ये वाली फिर से माइनस कर, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, वेयर एक्स एंड वाई बोथ आर एन बिट लॉन्ग नंबर्स, कितने बिट लॉन्ग नंबर्स, एन बिट, ओके। नाउ लुक एट दिस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, के इंस्टेड ऑफ जो कि आप सबको पहले पता है, ये मैं करता हूं, लुक एट दिस, ये मेरा एक एक्स नंबर है जिसको मैंने मल्टीप्लाई करता हूं और वाई है जिसको मैंने मल्टीप्लाई, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करता हूं। अच्छा एक्स कितने बिट लॉन्ग है, अभी एन बिट लॉन्ग नंबर है, और वाई कितने बिट लॉन्ग नंबर है, वो भी एन बिट लॉन्ग नंबर है, ठीक है। छह वो करता है, वो ना इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करता है, ये एक्सएल है, एक्सआर है, वाईएल है, वाईआर है, मतलब आप उन्हें सभी पढ़ी है, तो यू ऑलरेडी नो रजिस्टर्ड ही होगा, ए एच के ए 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
होता है ए एच होता है और ए एच होता है तो ये ए एच है और ये परेशानी की बात हो रही है। बाय द वे एक छोटी सी बात, वो ये इस पूरे नंबर x को मैं लिख सकता हूँ कि ये हायर बिट्स हैं, तो मैं इस हायर बिट्स को उठाता हूँ, इसको 2 रेस टू पावर n बाय 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। वाई मल्टीप्लाई, हाँ, विद 2 टू द पावर n बाय 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये शिफ्ट हुई है इधर। मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बिट्स है ना, तो वो एक दफा शिफ्ट होती है, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो दो दफा शिफ्ट होती है, जब मैं 3 से, जब मैं 2 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 3 दफा शिफ्ट होती है। एक्चुअली दिस एंड दिस is related to this by this quantity. कि xl को मैं n2 to the power n by 2 से multiply करूं और मैं xr add कर दूं तो मेरा x आ गया। ये सब समझ आई बात? ये नहीं है? नहीं समझ आई? ठीक है, everybody understands? No sir. नहीं। क्या? ये देखो क्या हो गया? ये देखो please. बेटा 2 क्या होता है? 2 क्या होता है? 2 होता है मान 0, है ना? अगर मैं लिखता हूँ 1 1 1, तो मैं 3 से multiply करूँ तो क्या हो गया? 1 1 1 0 हो जाएगा, तो एक दफा शिफ्ट नहीं हो गया। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता है तो ये क्या हो गया? दोबारा मल्टीप्लाई क्या हो गया? ये 0 0 दो दफा शिफ्ट हो गया, है ना? अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता है तो ये 3 दफा शिफ्ट हो गया। ये बात समझ? सो एक्चुअली मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू द पावर n बाय 2 इज मींस कि मुझे बस ये करना है उसको n बाय 2 दफा शिफ्ट करना है, है ना? अच्छा, अब मुझसे एक बात करवा दो, n बाय 2 दफा मैंने किसी नंबर को शिफ्ट करना है, उसकी कंप्लीशन क्या होगी? n bit number है, उसको मैंने n by 2 दफा शिफ्ट किया। n into n by 2, n into n by 2, अगर आप सुपर तरीके से करें तो ये होगी कैसे? कि आप एक दफा शिफ्ट करें, फिर दूसरी दफा सारी शिफ्ट करें, फिर तीसरी दफा सारी शिफ्ट करें। अब इसका आसान तरीका ये है कि आपने n by 2 तक शिफ्ट करना है, तो इसकी जीरो बिट को n by 2, उसको जो इसका इंडेक्स है उसके आगे n by 2 होते चले जाए, तो हमारा क्या हो, वो इतनी आगे शिफ्ट हो जाए, जो यहाँ पर वैल्यू पड़ी हुई है वो मैं लेट्स से मैं चार दफा शिफ्ट करना ना, इसको मैं जो भी इंडेक्स है उसके चौथे इंडेक्स पे ऐड कर रखा, हाँ, और इसका मैं अगले चौथे बिट में कर पाया, और शुरू में स्पेस बच जाएगी वहां पे मैं इसके अपेंड कर दूंगा जीरो, ये बात समझ ठीक है? सो दिस कैन बी डन इन ओ ऑफ एन बाय टू, ये बात समझ। सिमिलरली एक्चुअली ओ ऑफ एन टाइम ये सारी शिफ्ट होगी, ठीक है? Similar, अच्छा, और addition is also can be done in how much time? Four of n, ठीक है? All right. अच्छा, अब एक काम करते हैं इन दोनों, अब मैंने x multiply by y करना था ना, उसमें multiply, ये देखें please, मैंने multiply करना है 2 to the power n by 2 time xl plus x half, ठीक है? इसको मैंने multiply करना है बेटा किससे? 2 to the power n by 2 yl plus yr, क्या भैया? बताएं कैसे multiply करें? इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो गया 2 टू द पावर n बाय 2 इनटू 2 टू द पावर n बाय 2 कितना हो गया 2 टू द पावर n हो गया n बाय 2 n बाय 4 क्या हो गया n से 2 की पावर n से 2 की पावर n बाय 2 2 की पावर n बाय 2 2 टू द पावर n बाय 2 सब बेस सेम है तो n हो गया, तो क्या हो गया प्राइम हो गया n हो जाएगा n हो गया सुपर यहां x n और ये हो जाएगा y n, ठीक है? अच्छा इधर आ जा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा क्या x r y सॉरी x r और y प्लस अब ये दोनों कॉमन है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा x l y r इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर n बाय 2 से प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा x r y l और 2 टू द पावर n बाय 2 आना है जिसको मैं आराम से कॉमन है n by 2 size ये भी n by 2 साइज का है ना, ये भी n by 2 साइज का, ये भी n by 2 साइज का, ऐसे ही है ना? अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन में कौन लगा देगा? बाबा जी, ठीक है? ये मुझे मल्टीप्लिकेशन कौन लगा देगा? बाबा जी, why? क्योंकि वो एक सिंपल का साइज कम है, ठीक है?
अच्छा मुझे एक बात बता, इसका मतलब है अगर मैंने x into y निकालना है तो आई विल गोइंग टू कॉल फोर रिकर्सिव कॉल, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, एंड आई विल गोइंग टू राइट वन लाइन। ये मेरा आंसर आएगा सिर्फ ए में, ये मुझे बाबा जी वन आंसर देंगे, ये बाबा जी टू आंसर देंगे बी, ये बाबा जी थ्री आंसर देंगे सी, ये बाबा जी फोर आंसर देंगे डी, क्या डी। ऑल आई हैव टू डू इज राइट दिस लाइन, क्या रिटर्न टू टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस टू टू द पावर एन इनटू सी प्लस डी। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, बाय द वे ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये आसान है, क्यों? क्योंकि ना ये शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग जो है वो जिसे आप सब रूटीन लेते हैं जो शिफ्टिंग करती है, ठीक है, वो जब हमने कोड डिस्कस किया ना वो ये वो, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ये वाली मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट है, ठीक है। ऑलराइट नाउ लुक एट, इसका मतलब है मेरी रिकरेंस बनेगी टी एन फोर इज इक्वल टू फोर टी फोर टी एन बाय टू प्लस एन एन क्यू और हमें ये भी करना पड़ रहा है जो कि दोबारा से एन कॉस्ट पे आपको डालेगा, तो इसका मतलब है ये O of n cos है ना। अच्छा ये देखिए, अब सवाल ये है कि ये रिकरेंस सॉल्व करें तो क्या आंसर निकालें, ये चार रिकर्सिव कॉल बनेगी, हर एक का साइज का कितना होगा n by 2 होगा, सो 4 cos एवरी वन विल जनरेट n by 2 साइज, दैट कम्स आउट टू बी 2 टाइम n, पहले पे cos थी n, इस पे cos है 2 है, इसका मतलब इट्स एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज। नाउ लुक एट दिस, इसका मतलब है इट इज बाउंडेड बाय द लास्ट लेवल एंड द लास्ट लेवल इज 4 टू द पावर लॉग बेस 2 n, क्यों? क्योंकि जब लॉग एन लेवल नीचे जाता है और 4 के फैक्टर से ये इंक्रीज होता है, इसको n और 4 को हम स्वैप कर देंगे, दी आर n की पावर लॉग बेस 2 4 दैट इज 2 दैट इज o n स्क्वायर। हम लोग बोल रहे हैं क्या हुआ क्लासिकल से भी हम क्या कर रहे थे n square कर दे, इससे भी हमने क्या किया तो n square ही आया। Here comes Gauss, Gauss क्या करता है, देखिए ये हमने किया, ये हमने किया, इसकी जो रिकरेंस बनती है वो क्या बनती है, 4 जा रही है रिकरेंसेस जो के o और हर स्टेप पे n cos जा रही है। अब जो Gauss ने हमें हेल्प की थी वो हेल्प ये थी कि ये जो iota वाली ये दरमियान वाली टर्म थी इसको वो कन्वर्ट कर देता, याद है आपको, इसमें है ना, हम दोबारा कंप्यूट नहीं करेंगे। सो लुक एट दिस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग, देखिए देखिए मैंने मल्टीप्लाई करा था इन दोनों, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज देखिए मैं लिखता हूं जी, लिख बता मुझे xl plus xr और यहां पे क्या आ रहा है बेटा yl plus yr, ये है a ये है b, सारे ये a ये b ये a ये b ऐसे, ठीक है। अच्छा ये और इसके साथ ऑफ कोर्स टू टू द पावर क्या मल्टीप्लाई हो रहा था n by 2 और ये भी टू टू द पावर n by 2 ठीक है, ये a है ये b है ये a है ये b है तो ये c है ये b है, इन जगहों पर मैं इनकी वैल्यू डालता हूं, ये a है ये b है ये c है ये d है, इसकी जगह पर ये वैल्यू आ जाती है और इनकी जगह पर ये वैल्यू आ जाती है इनकी जगह, ठीक है। So do you all agree कि मेरी को sorry ये actually I can rewrite this thing as this thing, जो कि exactly वही चीज़ है जो कि मैंने यहाँ की, but the what is the advantage, look at this, हमें कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, look at this, हमें एक मल्टीप्लिकेशन जी कंप्लीट करनी है यार, जी है सर, एक मल्टीप्लिकेशन ये कंप्लीट करनी पड़ेगी, एक मल्टीप्लिकेशन ये कंप्लीट करनी पड़ेगी और ए ये जो इसका आंसर आएगा और इसका आंसर आएगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, एक मल्टीप्लिकेशन ये कंप्लीट राइट, और ऑफ कोर्स हमने इस पोर्शन को यहां प्लग इन करना है और ये दोनों हमने पहले ही कंप्लीट किए हैं, तो कितनी मल्टीप्लिकेशन।
कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा टी एन इज इक्वल टू थ्री टाइम टी एन बाई टू प्लस ओ ऑफ एन एंड दैट कम्स आउट टू बी इस फोर की जगह क्या आएगा थ्री आ जाएगा यहाँ पर थ्री आ जाएगा और यहाँ पर एक्स लॉग पे प्लस टू थ्री होता है ना 1.59 एक मिनट सिर्फ इतना था सिर्फ इतना था एक मिनट लुक एट दैट ये मेरे पास ओरिजिनल एक्स वाई ये देखें ये मैं एक्स आर वाई आर का आंसर निकालता हूँ ये मैं एक्स आर वाई आर का आंसर निकालता हूँ ये मैं इन दोनों के प्लसेस का आंसर निकालता हूँ और यहाँ मैं वो प्रॉब्लम वन का आंसर कंप्यूट करता हूँ प्रॉब्लम थ्री का वन का और टू का मुझे माइनस का सॉल्यूशन था ठीक है ये जो माइनस का और प्लस यहाँ थैंक यू सर